अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिजाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान रशीद और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा शेप्स टूल के बारे में कि ये शेप्स टूल कितनी अहमियत का हामिल है और इससे हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त की स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूं मैं, जो कि ऐसा दिखता है। तो शेप्स टूल की शॉर्ट कमांड U है, या आप मैन्युअली जाकर इसको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं शेप्स टूल में से, या कीबोर्ड से इसकी शॉर्ट कमांड U प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर सिलेक्शन। तो शेप्स टूल और मार्की टूल तकरीबन सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैं मार्की टूल में भी बता चुका हूँ, इस पे भी बताता हूँ कि मार्की टूल से हम जो भी शेप क्रिएट करते हैं उसकी लेयर नहीं बनती। जैसा कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक इक्लिप्स या सर्कल या लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसकी लेयर हमें मैन्युअली जाकर लेयर पैनल से क्रिएट करनी पड़ती है। जबकि वही चीजें शेप्स टूल में है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइंस वगैरह हैं, लेकिन इसमें हम जो चीज ड्रॉ करेंगे उसकी लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और उसको हम जैसे चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पूरी वेबसाइट हम दो टूल से बना सकते हैं, एक टाइप टूल और एक ये शेप्स टूल। हम तीसरा कोई भी टूल ना यूज करें तो तब भी मैं आपको पूरा एक वेब पेज बना के दे सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टूल है रेक्टेंगल टूल। ये वही रेक्टेंगल है जो मार्की टूल का था, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ, बल्कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा फर्क के साथ। जैसे ही मैंने शेप्स टूल का रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया है तो आप ऑप्शंस बार में मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी और मार्की टूल की सिमिलैरिटी, रेक्टेंगल इससे भी ड्रॉ होगी लेकिन यहाँ पर अगर फिल में भी कलर होगा तो वो इसमें फिल हो जाएगा। स्ट्रोक में कलर है लेकिन अगर उसकी स्ट्रोक की विड्थ नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा, वैसे फिलहाल ये एम्प्टी है। ठीक है जी। अच्छा, एग्जैक्ट रेक्टेंगल के लिए इसमें भी वही तरीका, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर बनेंगे। ये देखिए, शिफ्ट रिलीज करूंगा तो ये इस तरह का हो जाएगा, जैसे शिफ्ट होल्ड करूंगा तो प्रॉपर एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा। मल्टीपल के लिए वही शिफ्ट होल्ड करके मैं एक और ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए, ठीक है जी, एक ही लेयर पर मल्टीपल बनते जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए भी वही, ऑल्ट होल्ड करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है जी। और इंटरसेक्ट के लिए भी शिफ्ट ऑल्ट वही चीज इनसाइड बनाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये कॉमन चीजें थी जो कि मार्की में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए मेरा मार्की टूल का ट्यूटोरियल, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इसमें और मार्की टूल में कॉमन है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी। सबसे पहले इसकी फिल की बात करते हैं। फिल फिलहाल एम्प्टी है, ये क्रॉस लाइन का मतलब है कि फिल कुछ भी नहीं है। एक स्केयर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर भी बन गई है रेक्टेंगल वन, यानी कि ये शेप्स टूल का रेक्टेंगल टूल है जिसकी ये एक ही लेयर भी बनी है। तो फिल को हम क्लिक करेंगे तो इसमें से आप जो भी कलर चाहें यहाँ पे क्लिक करें तो ये फिल में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके आइकन के इस एरिया में भी देख सकते हैं कि कौन सा कलर फिल हो चुका है इसमें। अगर आप कोई कलर नहीं फिल करना चाहते तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये एम्प्टी हो जाएगी। कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर चूज करें, इसमें फिल हो जाएगा। इसमें सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है ये ग्रेडियंट की है। इसके टूल के सिलेक्शन में हम ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ग्रेडियंट यानी कि मल्टीपल कलर एक ही सिलेक्शन में, क्लिक करें आप इस पर, ये देखिए जितने भी ग्रेडियंट्स आपके सिस्टम में फोटोशॉप में मौजूद होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है जी। ऐसे मैं ये चूज करता हूँ, देखिए मूव टू से थोड़ा इधर करें ताकि हम वाज़ा देख सकें,
कौन सा ग्रेडियंट आप इस पे लगाना चाहेंगे उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रेडियंट नहीं पसंद तो आप पैटर्न्स भी इसमें सिलेक्शन में या शेप में ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे मोस्टली हम कलर के साथ ही काम चलाते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए आपका सिंपल स्क्वायर बॉक्स विद कलर। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का कलर तो फिलहाल सॉलिड ब्लैक है, लेकिन इसकी विड्थ नहीं है। इसकी मैं विड्थ 1 पिक्सल करता हूँ, सॉरी मैं सिलेक्ट नहीं की हुई लेयर। अब मैं इसकी विड्थ 1 पिक्सल करता हूँ तो देखें इसके लिए 1 पिक्सल का मतलब इसके लिए दोबारा हमें एक शेप ड्रॉ करनी होगी। मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो कंट्रोल जी 4। अब मैं जो शेप ड्रॉ करूँगा ये देखिए उसके लिए 4 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर भी है। ठीक है जी, यहाँ से हम बॉर्डर पे भी वही चीजें लगा सकते हैं जो हमने फिल्म में लगाई, यानी कि सॉलिड कलर खत्म भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं बॉर्डर पे। देखिए इसके अलावा पैटर्न भी बॉर्डर पे लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सॉलिड है, ये डैश्ड, ये डॉटेड। ठीक है जी, इसको वाजा देखने के लिए मैं सिंपल कलर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले बॉर्डर में डिफरेंस। ब्लैक लगा देता हूँ, ठीक है, आप देखिए सॉलिड ऐसा है, डैश्ड ऐसा आएगा। ठीक है, प्योर ले सेट करके देखें, ये देखिए ये डैश बॉर्डर इसके ऊपर लगा दो। इसके बाद डॉटेड बॉर्डर आप देख लें कैसा लगेगा। ठीक है जी, वाजा देखने के लिए आप इसका कलर डिलीट कर दें तो आप देखिएगा सॉलिड फ्रेम टाइप एक बन गया है। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे जो ये ऑप्शन है W&H यानी कि विड्थ एंड हाइट, आप अगर इसको स्केयर बनाना चाहें यहाँ से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ 185 और हाइट भी करता हूँ 185। देखिए अब ये एग्जैक्ट स्केयर बन गया है। ठीक है, मजीद इसको छोटा करना चाहें 105/105 का स्केयर बन गया। ठीक है जी, तो ये हम यूज करते हैं मोस्टली बटन्स वगैरह बनाने के लिए ये रेक्टेंगल टूल। मेन्यू बार यानी कि कहने का मकसद ये है, आप या तो मार्की टूल यूज करें या ये यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। मार्की टूल के साथ आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कि लेयर्स खुद क्रिएट करनी होगी और उसमें मिस्टेक का चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर बिलफर्ज आप लेयर क्रिएट करना भूल गए हैं तो इस सूरत में डिजास्टर हो सकता है। एक ही लेयर पे सब कुछ बन सकता है जो कि आपकी सारी मेहनत रायगा जाती है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये शेप टूल के तमाम टूल इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिकली लेयर भी क्रिएट होगी, आप इफेक्ट्स भी मैनुअली इजीली ऐड कर सकते हैं। इससे हम बटन्स हर किस्म के बना सकते हैं, मेन्यू बार्स, सेक्शन बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, बार्स बना सकते हैं, कुछ भी इससे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये था हमारा कस्टम शेप्स टूल का रेक्टेंगल टूल। सेकेंड, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, तमाम वही फंक्शनैलिटीज लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल यानी कि राउंड शेप में थोड़ी सी। अच्छा, यही रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूंगा लेकिन राउंड शेप में। आप इसके बॉर्डर देख सकते हैं, स्टाइल इसमें भी वही है। इसकी जो राउंडनेस है ये आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ऑप्शन में रेडियस है 5 पिक्सल करके अब मैं ड्रॉ करूंगा तो 5 पिक्सल ज्यादा करें तो अब मैं जो ड्रॉ करूंगा वो ज्यादा रेडियस के साथ होगा। ठीक है जी, बाकी वही सेम हाइट विड्थ इसकी भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह इसका, कलर फिल वगैरह जो भी आप चाहेंगे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लिप्स टूल। सेम वही फंक्शनैलिटी लेकिन सर्कल शेप में, राउंड शेप में, एग्जैक्ट सर्कल के लिए वही तरीका। शिफ्ट ऑन करेंगे तो सर्कल, ओवल शेप के लिए ये देखिए इस टाइप की भी आपको शेप चाहिए वो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है,
इसको भी हम यूज करते हैं मोस्टली राउंड शेप में, इमेजेस वगैरह आपने अक्सर देखे हों तो उसके लिए यूज करते हैं, राउंड बटन वगैरह बनाने हों तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, मेन्यूज या लोगोस वगैरह कुछ भी बनाना हो तो ये यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं पॉलीगॉन टूल की। पॉलीगॉन टूल बहुत कम यूज होता है, इसको हम मोस्टली अपने इमेजेस के एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं, स्टाइलिश इमेजेस। लेट्स से मैं शेप बनाता हूँ, ठीक है जी, इसके जो ये साइड्स हैं, ये कॉर्नर हैं, इसको आप जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। वी बिल्कुल सिलेक्ट किया, ये के लिए भी बन गए दोबारा, ये हमारा पॉलीगॉन। कंट्रोल टी करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जिसकी साइड्स है 1, 2, 3, 4, 5 है फिलहाल, इनको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन बार में साइड्स, इनको आप डिक्रीज इंक्रीज करें तो आप ड्रॉ करेंगे जो वो 21 साइड्स के साथ होगा। ये देखिए कॉर्नर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, ये देखिए थोड़ा कम करके देखते हैं 15, ये देखिए, और कम करते हैं 9, ये मजीद 3 कर देते हैं, ये देखिए ट्राई में शिफ्ट और करेंगे तो प्रॉपर एंगल्स में ट्राइंगल आपको लगेगा, ठीक है। इस टाइप की शेप्स के लिए पॉलीगोनल टूल है। लाइन, ये लाइन टूल सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर क्रिएटिंग लाइन एज कम्पेयर टू मार्की टूल, क्योंकि मार्की टूल पूरे डॉक्यूमेंट में या हॉरिजॉन्टली लाइन लगा देता है या वर्टिकली। इसको आप जितनी लाइन रिक्वायर्ड हो क्लिक ड्रैग, स्ट्रेट लाइन के लिए वही शिफ्ट होल्ड करेंगे तो 45 डिग्री के साथ ये लाइन ऐड करता जाएंगे, फिर 45, 45, 45, 45, ठीक है। इसके अलावा आप शिफ्ट होल्ड कर रिलीज करेंगे तो आप जैसी चाहे लाइन बना सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइन के ऊपर 4 पिक्सल डॉटेड बॉर्डर लगा हुआ है, डैश, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टूल के बारे में, कस्टम शेप टूल। इसमें हमारे जितने भी जरूरत के आइकन्स वगैरह होते हैं, होम का आइकन है, अबाउट अस का आइकन है, फेसबुक का आइकन है, ट्विटर का आइकन है, इसके अलावा फोन का आइकन है जो ज्यादा यूज होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही हम कस्टम शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो हम ऑप्शंस बार में देख सकते हैं शेप्स के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो ये जितनी भी आपने, वैसे बहुत कम होती है, मैंने एडिशनल ऐड की हुई है जिनकी मुझे जरूरत होती है, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जितनी भी कस्टम शेप्स होंगी, इनको हम आइकन भी कह सकते हैं लेकिन फोटोशॉप में कस्टम शेप्स कहलाती है। ये देखिए जरूरत की सारी इसमें बनी हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं। ऐसे मुझे ये एरो चाहिए, आप डबल क्लिक करें, शिफ्ट होल्ड करें, जब भी आपने कस्टम शेप से कोई चीज ड्रॉ करनी है तो शिफ्ट होल्ड करना। उसकी रीजन ये है कि एग्जैक्ट आइकन तभी बनेगा जब आप शिफ्ट होल्ड करेंगे। देखिए शिफ्ट, सॉरी ड्रॉ करता हूँ पहले, अब शिफ्ट होल्ड करता हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट रॉन्ग 205/205। जैसे मैं शिफ्ट रिलीज करूंगा तो ये थोड़ा बिल्कुल करें शिफ्ट होल्ड, ठीक है। कहने का मकसद है आपको नेट से कोई आइकन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आपने इन कस्टम शेप्स में सारी शेप्स ऐड की होंगी। ये आपको नेट से फ्री मिलेंगी, गूगल पे जाके आप लिखें कस्टम शेप्स फॉर फोटोशॉप तो इसकी एक्सटेंशन फाइल होगी, वो आप फोटोशॉप जहाँ भी आपका इंस्टॉल होगा उसमें प्रीसेट्स में जाके कस्टम शेप्स के फोल्डर में वो फाइल्स डालें। एक फाइल में कम से कम 300-400 शेप्स होती है, जरूरी नहीं लेकिन कम ज्यादा भी हो सकती है, तो ये आप वहां से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेडिएंट और पैटर्न भी आप ऐड कर सकते हैं, कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी शेप्स हैं जो हम यूज करेंगे जब मैं एक वेब पेज आपको डिजाइन करके दूंगा। तो ये हमारा शेप्स टूल बहुत अहमियत का हामिल है, आपने देख लिया होगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि एक कंप्लीट वेब पेज में आपको यूजिंग टाइप टूल और शेप्स टूल आपको एक कंप्लीट वेब पेज डिजाइन करके दे सकता हूँ इन दो टूल से, ठीक है। तो ये दोनों टूल्स विशेष ये शेप्स टूल इतनी अहमियत के हामिल हैं।
सो इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आप उससे बाखबर रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। Thank you.